सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? भगवान का नाम है सच्चिदानंद। इनमें तीन शब्द हैं, सत, चित और आनंद। सत किसे कहते हैं? जो इस सृष्टि के रूप में है वह सत्य। और जब ये सृष्टि नहीं थी, ये पृथ्वी नहीं थी, ये वायुमंडल नहीं था, तब भी सत थे, सत्य स्वरूप परमात्मा थे। और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी कौन बचेगा? वही सत्य स्वरूप परमात्मा, जिनका एक नाम है सत, वही बचेंगे। उदाहरण के लिए हम समझ लें कि कोई मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बना दिया, घड़े के रूप में भी मिट्टी है, नाम अलग हो गया। और कुम्हार क्या करता है? बर्तन बना देता है, सबके अलग अलग नाम हो गए। उस मिट्टी के नाम सबके अलग अलग हो गए। किसी का मिट्टी का गिलास हो गया, कुल्लड़ चलते हैं, कुल्लड़ हो गया, थाली हो गई, गिलास हो गया, तो सबके अलग अलग नाम हो गए, पर है तो वो मिट्टी, उसको नहीं बदल सकते। और उस मटेरियल को फिर जाके फोड़ दिया तब भी तो वो मिट्टी है। तो ऐसे ही परमात्मा से ही ये सृष्टि बनी है, परमात्मा की ये सृष्टि के पहले भी ये परमात्मा ही थे, सत्य स्वरूप परमात्मा। और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तो तब भी सत्य स्वरूप परमात्मा ही है। भगवान की सत्य नाम का अर्थ है। दूसरा अर्थ है चित। चित यानी प्रकाश, चित चैतन्य, चित यानी प्रकाश। यहाँ पर लाइटें लगी हैं, हमको प्रकाश की जरूरत पड़ती है, पर भगवान तो स्वयं प्रकाश हैं। हम सूर्य नारायण भगवान से प्रकाश लेते हैं, पर नहीं, भगवान सूर्य नारायण भगवान को प्रकाशित करते हैं, वे स्वयं प्रकाश हैं, चित चैतन्य स्वरूप हैं, वे ब्रह्मा जी को बनाते हैं, पूरी वे सृष्टि करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब भगवान के प्रकाश से प्रकाशित हैं। तो एक नाम भगवान का चित हो गया। तीसरा है आनंद। भगवान का नाम है एक आनंद। अब आनंद किसे कहते हैं? जैसे धनवान का उल्टा निर्धन हो गया, पर सबके विपरीत अर्थ मिल जाएंगे, विलोम शब्द मिल जाएंगे, पर आनंद का आपको नहीं मिल पाएगा। सुख का दुख हो जाएगा, पर आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। ऐसे भगवान आनंद स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुखासी। वे आनंद के भंडार हैं, आनंद के सागर हैं। और इस संसार में आनंद उनका कितना है? बस सागर में से आप एक माचिस की तीली लीजिए और सागर में डुबोइए और फिर उसे निकालिए, जो उसमें से एक बूंद टपकेगी तो वे आनंद पूरे संसार में व्याप्त है। और भगवान आनंद की सागर है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुखासी। ऐसे भगवान आनंद स्वरूप। बढ़िया डल्लभ के गद्दे पे सोना, एसी कमरों में रुकना, इसको आनंद नहीं कहते। आनंद तो अंदर की अनुभूति है, आनंद परमात्मा है। कभी आपने सोचा है कि 10-10, 20-20 हजार वर्ष महात्मा लोग समाधि में क्यों रहते हैं? उन्हें को ऐसा क्या मिलता है अंदर?
जो और कुछ नहीं मिलता भैया, वे आनंद स्वरूप परमात्मा उनके अंदर प्रकट हो जाते हैं और उनके आनंद से वे आनंद मग्न रहते हैं। भगवान का नाम ये तीसरा नाम है आनंद। तीनों को मिला दिया जाए तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिनकी चरण शरण ग्रहण करने से जीव के तापत्रय नाश हो जाते हैं। ताप का अर्थ होता है दुख, यानी कि इस संसार में मनुष्य को तीन प्रकार के दुख रहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज कामों नहीं व्यापा। दैहिक क्या, दैहिक ताप क्या होते हैं, शरीर के द्वारा रोग हो गया दैहिक ताप, दैविक ताप ये अभी चल रहा है जो कोरोना काल, तो वे दैविक ताप है, ज़्यादा वर्षा हो गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, ये होते हैं दैविक, देवताओं के द्वारा प्रदान किए जाने वाले ताप, दैहिक दैविक, ऐसे तीन प्रकार के ताप होते हैं। किसी संत ने बहुत अच्छा पद गाया है कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन में रहे तो दास, यानी कि थोड़े थोड़े किसी को सुख नहीं है। यहाँ पर पूरे संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो हाथ रख के कह दे अपनी छाती पर कि भैया मैं सुखी हूं, कोई भी सुख नहीं है, बस थोड़े थोड़े सब दुखी हैं, कुछ ना कुछ परेशानी है ही उन्हें। तो भैया सुख कौन है, सुखी कौन है, तो सुखी राम के दास, केवल और केवल भगवान के चरणार बिंदु का आश्रय लेने वाले, उनके कीर्तन का आश्रय लेने वाले, जैसे कि आप सब लोग, आप 3 घंटे यहाँ पर आए हैं तो 3 घंटे तो श्रीमद् भागवत कथा में आप सुन रहे हैं, तो 3 घंटे तो आप कम से कम इन दुखों से दूर हुए, और आपकी जब श्रेणी बढ़ती जाएगी श्रोताओं में भक्ति उत्पन्न होती जाएगी। भगवान की 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, आगे प्रसंगानुसार चर्चा करेंगे, तो एक के बाद एक भक्ति बढ़ती जाएगी, पहले श्रवण कीर्तन स्मरण, एक के बाद एक भक्ति बढ़ती जाएगी, वैसे ही संसार से अलग होते जाएंगे। अच्छा, आप घर से वैष्णवी भवन तक आया, आपने सुबह सोचा कि आज कथा में जाना है, तो आपने सोचा और टाइम देखा और आ गए, तो आप घर से निकले, घर अपने आप छूट गया, यानी कि घर को छोड़ने की मतलब कोई आवश्यकता ऐसी नहीं पड़ी कि कहते हैं कि संसार छूटता नहीं है, मन संभलता नहीं है। जैसे ही आप वैष्णवी भवन के पास आते आते गए और संसार यानी घर आपका छूटता गया, वैसे ही जैसे भगवान के आप निकट होते जाएंगे, जितने निकट होंगे उतना संसार आपका ये घर दूर होता चला जाएगा, और आप उनके आनंद में रमण करने लगेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तापत्रय, इन सभी ताप के नाश के लिए हम श्री भगवान श्री कृष्ण की बहुत बहुत बारंबार प्रणाम करते हैं।